हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। सो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिसशिप का, और उसमें हम देख रहे थे, ठीक है, फुल प्रैक्टिसशिप। तो आज का ये उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम 29वां प्रैक्टिसशिप देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम सिलेबस के हम साथ देख रहे थे तो टोटल 100 क्वेश्चन जो आने हैं एग्जाम में, उस तरीके से क्वेश्चन पूरा हमने फ्रेम किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे। उसमें दिया गया है पहला एक से क्वेश्चन नंबर एक से लेकर और क्वेश्चन नंबर पाँच तक जो है आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। इसके बाद एक से पाँच तक का क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से कि कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे, गद्यांश को पढ़िएगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा सी पार्ट, विरोधी भावों के सामंजस्य में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी गद्यांश से है कि सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद भी इसका आंसर सी पार्ट निकल जाएगा, उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है, ठीक है। ये गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है गद्यांश से कि विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं। तो गद्यांश के अनुसार इसमें रक्षा और मंगल का भाव हो सकता है। आंसर इसका जो है बी पार्ट करेक्ट है। आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो आनंद कला के विकास से लेखक का तात्पर्य बनता है कि सारे भाव रूप और व्यापारों में उचित सामंजस्य। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किसके बारे में बातें कही गई बेसिकली। तो ये विरोधों के सामंजस्य के सौंदर्य से संबंधित चीज़ें इसमें कही गई हैं, तो यहाँ पे इसका उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, ठीक है। यानी कि जो नाम होते हैं स्पेशली शहर के नाम हो गए या पहाड़ों के नाम, तो वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इस प्रकार की सभी जो होती हैं संज्ञाएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना। इनमें से दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यहाँ पे बताना है कि किस काल में वाक्य लिखा गया, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे दे रही थी का भाव आ जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल का प्रश्न हो जाता है। क्योंकि अपूर्ण भूतकाल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो पानी देने का काम है वो अभी ख़त्म हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रहा है। यानी काम तो शुरू हो गया था लेकिन वो ख़त्म हुआ कि नहीं इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। चलिए जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द अगर जुड़ते हैं तो उस वाक्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए जी ये किसी भी वाक्य में इस प्रकार के अगर आपको समुच्चय बोधक शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ पे ये हो जाता है संयुक्त वाक्य के उदाहरण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर देखा जाए तो रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस पंक्ति में कब क्या कहना चाहता है, कब कह रहा कि कमल के आकार को मुख के पास दो नए कान सुशोभित हो रहे थे। इसमें मुख को कमल और कानों को जो है पत्तों का रूप दिया गया है, यानी कि यहाँ पे तुलना किया गया, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, अब इसके बारे में मैंने प्रैक्टिस नंबर 21 और 22 में करवाया हुआ है, जिसको आप लोग देखिएगा वहाँ पर इसको मतलब विस्तार से बताया, ठीक है। तो कौन सा विकल्प इसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ, तो देखिए सा जो लिखा हुआ बी पार्ट दंत है, दंत व्यंजन होता है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन रहेगा, सा शब्द, ठीक है। बाकी जो पहला ए पार्ट में जो सा दिया गया है ये जो होता है ये तालू होता है, तालू होता है। इसके अलावा चा वर्ग या और सा दोनों आते हैं, मतलब या भी आता है और ताल चा वर्ग भी आता है, चा चा यहाँ, ठीक है। बाकी ये सा जो दिया गया सी पार्ट में ये क्या होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जब जीव के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं उसको, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विवृत स्वर, उसके अंतर्गत विवृत स्वर नहीं आएगा। बाकी अग्र स्वर, मध्य स्वर, उपस्थ स्वर आता है,
अग्रसर कौन कौन सा होता है? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, ये होता है अग्रसर। मध्य स्वर में अगर देखेंगे तो छोटा आ आता है, और पश्च स्वर में देखेंगे तो ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, ये जो विवृत स्वर होता है ये मुखाकृति के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो चार प्रकार का वर्गीकरण में आता है, उसमें समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही अलग हो जाएगा डी पार्ट, बाकी सारे सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रित्यानुसार का शब्द संद विच्छेद बताना है, रित्यानुसार शब्द का संद विच्छेद बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट, रीति प्लस अनुसार, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये अगर देखेंगे तो ये यण संधि का उदाहरण है। किसी पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे दिए गए शब्द की रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? जो नीचे किसी शब्द की विशेषता दिखाने के लिए इस तरीके से अंडरलाइन किया जाता है तो उसको कौन सा चिन्ह कहते हैं ये बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं अधोरेखा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अधोरेख चिन्ह। ठीक है, निम्नलिखित इसमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द इसमें से कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी शब्द, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अशुद्ध की तो गलत जो लिखा हुआ डी पार्ट में लिखा हुआ, मिथिलेश कुमारी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध है। इस तरीके से शुद्ध रूप से थे मिथिलेश होता है, ना कि मिथिलेश होता है। ठीक है, तो था पे जो छोटी की मात्रा यहाँ पे नहीं लगा था, ये इसीलिए गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। विदेश गमन, गिरधर और इस तरीके से इसमें बताना है कौन से समास के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे विदेश गमन, तो विदेश गमन मतलब इसमें कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरधर में कौन सा समास है? तो किंस, श्रीकृष्ण को कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। देश विदेश में कौन सा समास है? तो यहाँ डंडी लगी हुई बीच में, तो द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र में प्रत्यय आ रहा है तो वैभव हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलान किया जाता है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी विकल्प, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? सभी शब्द तद्भव शब्द वाले विकल्प बताना है इसमें से। तो ऑप्शन पहला देखते हैं तो आग, जीव और घर, ये तीनों तद्भव शब्द हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आग का क्या होता है? तत्सम, अग्नि होता है। जीव का क्या तत्सम होता है? जीव का तत्सम होता है जीवा। ठीक है, जीवा होता है। और इसके अलावा घर का तत्सम क्या होता है? घर का तत्सम होता है ग्रह, ग्रह होता है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। निषिद्ध का विलोम क्या है? निषिद्ध शब्द का विलोम बताना है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया विहित। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, इनमें से बताना है शारदा, इंदिरा, वाग्देवी, भारती। यहाँ पे अगर सरस्वती के पर्यायवाची की बात करें तो इंदिरा इसका पर्यायवाची नहीं होता। इंदिरा किसका पर्यायवाची होता है? इंदिरा जो होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो ये याद रखिएगा, बाकी सारे जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम बताना है। यहाँ पे कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे सर्वनाम की, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है वहाँ पे निश्चयवाचक होता है। इसके उदाहरण में यह है, वो, इस, उस, ये, वह, ये सब आ जाए तो वह क्या हो जाता है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। मुख्य अतिथि के सम्मान में, अब देखिए अंडरलाइन जो किया हुआ अधोरेखा चिन्ह है इसको कहा जाता है, इसके सम्मान में आयोजन किया गया। अब यहाँ पर रेखांकन शब्द का कारक बताना है, मतलब इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 में शब्द आ रहा है तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, मे पर जो इसका परसर्ग होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण कर रहा है? तो देखिए कोई क्रिया जब पहले करके इसके बाद तुरंत कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो आंसर बी आप समझेगा 21, पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग बताना है? निसंकोच में संस्कृत उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, निस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक का चयन करना है, इनमें से बताना है कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। देखिए कृपया करके खुले पैसे दें, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, जो है करके नहीं लगा जाता। कृपया खुले पैसे देने की कृपया, दो बार कृपया, कृपया नहीं करेंगे, कृपया करके खुले, ये भी गलत है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कृपया खुले पैसे दें, ये सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैसाची बोली से? अब पैसाची बोली की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? तो 24 का हो जाएगा सी पार्ट, वो पंजाबी जो लैंग्वेज होती है पैसाची बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि की अगर हम बात करेंगे तो इसका कौन से आंसर हो जाएगा? तो रामचंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया है, तो सी पार्ट करेक्ट है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दिया जाता है? प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति होती है या पद वृद्धि होती है तो आदि की सूचनाएं जो है दी जाती हैं? तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये कार्यालय आदेश के अंतर्गत दिया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग इसमें क्या है, मतलब पंक्ति का प्रयोग किस वाच्य में हुआ ये बताना। मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाक्य जो प्रयोग किया गया है वो कर्मवाची के अंतर्गत है, तो आंसर ए पार करेक्ट है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? संबंध बोधक शब्द इसमें से बताना है कि कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिना। बिना शब्द जो है वो क्या है, संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, वह शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों वो क्या कहलाते हैं? वह शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो दिया गया है कौन सा युग्म गलत है, अक्षर, क्षर, कुसुम, ब्रज, रथि, मंडन, मानवता, निशंसा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिया गया है इनके विलोम, और विलोम में कौन सा गलती किया गया है, तो अक्षर का अक्षर विलोम होता है, कुसुम का वज्र होता है, मानवता का निशंसा होता है, लेकिन रथि का मंडन नहीं होता, रथि का विलोम होता है वीरथ। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। चलिए अब चलते हैं जीएस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिलान करना, इसमें से सूची, नदी, स्थल दिया गया यहाँ पे। ठीक है, 46 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मिलान करना होता है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है लूनी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या है, लूनी नदी किनारे है। इसके अलावा रोपड़, रोपड़ की बात करेंगे तो रावी नदी किनारे है, धौलावीरा जो है सतलुज नदी किनारे है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 46 का जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्धिक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2024 में बौद्धिक संपदा सूचकांक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भारत को जो है 42वां स्थान मिला है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 55 देशों को टोटल शामिल किया गया, उसमें से 42वां स्थान भारत का है। फर्स्ट पर कौन है, तो अमेरिका फर्स्ट पर है, सेकंड पर यूके है, फर्स्ट पर अमेरिका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन शहर चंपा को कौन सी महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो चंपा जो है किसकी कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था, चंपा था। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था, चंपा था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था, तो विराट नगर था, विराट नगर। ठीक है, और वज्र महानगर के राजधानी का नाम क्या था, तो वैशाली था। ठीक है, वज्र महानगर का नाम वैशाली था। ठीक है, काशी का तो काशी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट की अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम आता है अमजद अली खान का, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अमजद अली खान। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे 50 देखिए, ब्राजील की धारा दिया गया है दक्षिण अटलांटिक महासागर, तो सही है। हम्बोल्ट की धारा दिया गया उत्तरी प्रशांत महासागर, जो कि ये गलत है। ठीक है, यह हम्बोल्ट की धारा या फिर पेरू की धारा, ये जो बहती है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर बहती है। ठीक है, तो गल्फ बी पार्ट हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर सही है। अगुल हाउस की धारा हिंद महासागर, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो विडाल परीक्षण जो होता है ये टाइफाइड के लिए करते हैं, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है, इनमें से कौन सा भूकंप का प्रभाव है, तो धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, ये तीनों भूकंप के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं, तो उपरोक्त डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? राजकोषीय घाटे से ब्याज जब भुगतान को घटाते हैं तब प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? धर्म गार्जियन की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात राज्य में प्रारंभ हुआ है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए सीमा प्रबंधन विभाग आता है गृह मंत्रालय के अधीन, राजभाषा विभाग भी आता है, जम्मू कश्मीर मामलों का विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन रक्षा उत्पादन गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न,
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उगादी, उगादी की बात करेंगे तो उगादी जो प्रसिद्ध त्यौहार है ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंसर सी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उगादी त्यौहार मनाया जाता है। अगला आप क्वेश्चन बताना है, 200 रुपये के नोट पर किसका रूपांकन छपा है? 200 रुपये के नोट पर जो है पीछे किसका इसमें से फोटो लगा हुआ है, छपा हुआ है? तो 200 रुपये के नोट पर जो है सांची का स्तूप है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? इनमें से तो इनमें से उपाधियों के अंत की अगर हम बात करता है तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो रबी की फसलें में गेहूं जो चना मटर, गेहूं जो चना मटर सरसों ये सभी आते हैं, तो यहाँ पे जो और चना जो आता है बी पार्ट में ये सही हो जाएगा, 60 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध संगीतियों के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजग्राम में, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? सारनाथ में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र। चौथा बौद्ध संगीत कश्मीर। इसमें से कौन सा एक गलत है? गलत वाला बताना, तो देखिए गलत जो है वो बी पार्ट हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत सारनाथ दिया गया जो कि गलत है। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बसोराद, उसका नाम क्या है? बसोराद है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो लाल किला को दिल्ली का जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, घोषित किया गया था, वो कौन सा ईयर था? तो वो था 2007, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना और बेल्ट सामान्यतः ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाना और बेल्ट जो कि उष्णकटिबंधीय घास हैं, ये घास के मैदान है और ये पाए जाते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान इसमें से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इनमें से अगर हम देखेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा, इनमें कौन सा एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें से वो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, वो होता है वर्ड लेंथ, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट वर्ड लेंथ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं? इनमें से विशेष प्रयोजन का प्रिंटर अगर हम बात करेंगे इसमें देखिए फोटो प्रिंटर जो होता है नहीं होता, बाकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, थर्मल बैक्स प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर भी होता है, लेकिन ये फोटो प्रिंटर अलग होता है। अगले प्रश्न में हमें बताना कि कौन सा कथन गलत है इनमें से? ठीक है, 68 में, तो देखिए ए पार्ट दिया गया कि एक इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में सूचना भेजता है, जो कि सही है। दूसरा है, एक इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को रिप्रोड्यूस और प्रदर्शित करता है। तो देखिए प्रदर्शन करने का काम जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं आउटपुट डिवाइस का होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट गलत है। एक आउटपुट डिवाइस डेटा प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को रिप्रोड्यूस प्रदर्शित करता है, तो देखिए सही है। ठीक है, तो बी पार्ट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? इसमें से स्टोरेज बताना, सबसे अधिक किसकी होती है, 69। तो यहाँ पे देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट दिया, तो टेराबाइट इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, टेराबाइट सबसे बड़ा इसमें से। ठीक है, एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB के, मतलब कि गीगाबाइट, और एक गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB के, यानी कि मेगाबाइट, और इसी तरीके से 1 MB बराबर होता है 1024 KB की, यानी कि किलोबाइट। तो सबसे बड़ा इसमें से क्या हो जाएगा, टेराबाइट। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के माध्यम से नहीं किया जा सकता? डिस्क क्लीनअप के माध्यम से कौन सा इसमें से कार्य नहीं किया जाता, उस कार्य को बताना है। ठीक है, अस्थायी वेब फाइलें हटाना, तो ये हटाया जा सकता है। अस्थायी विंडोज फाइलें भी हट सकती हैं। रिसाइकिल बिन खाली हो सकता है। पावर विकल्प बदलना ये नहीं हो सकता। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर लाइसेंस में से कौन सा स्रोत कोड यूजर्स के संपादन योग्य प्रारूप में उपलब्ध करने की अनुमति देना देता है इसमें से? तो वो होता है सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है?
रैम का दो प्रकार होता है, एस रैम डी रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे बताना है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है रैम के बारे में। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट एस रैम जो होता है इसका प्रयोग करता है, तो आंसर ए पार्ट डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है ए पार्ट। कौन सा संवेदनशील जानकारी मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डेटा प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का प्रयास, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, ईमेल, स्पूफिंग और त्वरित संदेश, पाठ संदेश द्वारा किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है फिशिंग करना, ठीक है फिशिंग करना कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फंक्शन की का प्रयोग वर्णित आइटम का चयनित, सॉरी यहाँ पे चयनित होना चाहिए, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। कौन से इसमें से फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करते हैं, इसमें से 74 का हो जाएगा सी पार्ट एफ टू, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। अंडू फंक्शन की बोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, अंडू फंक्शन की बोर्ड की शॉर्टकट की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है कंट्रोल प्लस जेड, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर इसमें से नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसमें से एमएस एक्सेस आता है, फॉक्स प्रो भी होता है, ओरेकल भी होता है, एमएस वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एमएस वर्ड। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स जो होते हैं किस में होते हैं ये बताना है, तो ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं स्लाइड मास्टर के अंतर्गत, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। जब आप एक नई एक्सेल वर्क बुक ओपन करते हैं तो ओपन के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट जो है प्राप्त होती है हमें, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तीन वर्कशीट प्राप्त होती है, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, इसमें से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो उसमें आता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जो होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको इस मेन्यू टैब पर जाना होगा। देखिए एमएस वर्ड 2016 में अगर हम डॉक्यूमेंट में अगर हम सामग्रियों को जो है तालिका अगर प्रवेश करना है उसमें से एंटर करना है तो यहाँ पे हम मेन्यू टैब में जो जाएंगे वो होता है इंसर्ट मेन्यू टैब, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। अब यूपी से संबंधित जानकारी देख लेते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फोर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का GDP में कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। तो ये ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9.5%, 9.5%, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पश्चिम में यमुना नदी जो होती है वो उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक सीमा निर्धारित करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार 2017 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, T4, तो राजघाट बांध दिया यमुना नदी पर, तो राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं बना है, बेतवा नदी पर बना है, तो यही आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी पर राजघाट बांध दिया गया, गलत वाला बताना था, बाकी रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर, रिहंद बांध, रिहंद नदी पर माता टीला बांध, ये भी बेतवा नदी पर, तो आंसर ए पार्ट। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना किया गया था 1983 में, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी पार्ट सही है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। सोनभद्र में क्या पाया जाता है, सोनभद्र में 86 में बताना है, सोनभद्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पे चूने का पत्थर प्राप्त होता है, ठीक है A का 4 हो जाएगा सोनभद्र में। इसके बाद प्रयागराज की बात करेंगे तो ये शीशे वाली बालू यहाँ पे प्राप्त होता है, ललितपुर में देखेंगे तो तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले की प्राप्ति होती है, तो आंसर बी ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट, ठीक है। चले, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती, इनमें से तो यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से हाथरस से नहीं गुजरती, बाकी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा यहाँ से गुजरती है, हाथरस से होकर नहीं जाती। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, किस सन में सबसे ज़्यादा थी जनसंख्या वृद्धि दर, तो यह था सन 1991 से 2000 के मध्य, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है, इसको हमें आंसर बताना, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास अयोध्या के किस संगीतकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए
आंसर हो जाए बी पार्ट, खुशी महाराज के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वो कहां पर स्थान? तो वो स्थान है नैमिषारण्य सीतापुर। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। तो राष्ट्र कब मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो राष्ट्र कब मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया नवंबर 2009 में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है 94। यहाँ पे टेरा कोटा का बात की अगर हम बात करेंगे तो ये गोरखपुर में होता है। लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं जो है, कहाँ पे लकड़ी का खिलौना बनाया जाता है? तो लकड़ी का खिलौना बनाया जाता है वाराणसी में। ठीक है, बी का 4। और चीनी मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं चिनहट में। कांच के सामान बनाया जाता है फिरोजाबाद में। तो इस तरीके से ये निर्माण होता है। आंसर पेपर करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनजात में बिरादरी पंचायत, किस जनजात में बिरादरी पंचायत बुलाई जाती है? तो ये बुलाया जाता है जो है बुक्सा जनजाति में। आंसर पेपर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसमें से गठित हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से सी पार्ट हो जाएगा 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, अप्रैल पार्क कहाँ है? नोएडा में। प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी सही हैं। ठीक है, ये इसमें अगर देखेंगे तो इस बुक के हिसाब से ये बता रहा है गलत, और आप लोग इसको देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है अप्रैल पार्क। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा किया गया है? तो इसकी घोषणा किया गया है वाराणसी में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।